एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल तनु संगीताले पर। आप लोग मेरे साथ सीख रहे हैं, अभ्यास भी सब कर रहे हैं। मैं एक से एक पैटर्न आप लोगों को मैं बताता चल रहा हूँ। काफी एक्सरसाइज मैं बताई हुई हैं, काफी ढोलक पे देता हूँ एक्सरसाइज, तबले पे देता हूँ। आज आइए, आज हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं दादरा ताल की विलंबित एंड द्रुत लय। जो आप सुनते होंगे, एक दादरा गायकी है उसके साथ भी बजाया जाता है, और नॉर्मली फोक पैटर्न वगैरह में भी दादरा ताल बहुत ज्यादा यूज होता है। जो आपको पता है, छह मात्रा की होती है, वो तीन तीन मात्रा के दो भी भाग होते हैं उनके, बोल होते हैं धा धी ना धा। ये बोल होते हैं, या और भी कुछ बना सकते हैं, धा ती ना ता धी ना, मतलब इस तरह से छह बोल मात्रा की बोल होती है। इसको हम जैसे चाहे वैसे बजा सकते हैं, बस छह मात्रा होनी चाहिए, तीन दिन के भाग लिखना चाहिए उसमें। तो दादरा ताल विलंबित और द्रुत लय। तो सबसे पहले हम विलंबित सीखेंगे। विलंबित कैसे सीखेंगे, विलंबित कैसे बजता है, पहले ये देखिए। जैसा गजल है, रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए, वो विलंबित दादरा बजा हुआ है। सिंपल बोले धा तीन तीन ता धिन धिन। समझ में धा तीन तीन, पहले खाली आएगा धा तीन तीन ता धिन धिन धा तीन तीन, फिर सिंपल ता, फिर दोनों एक साथ धिन धिन, कंप्लीट करें धा तीन तीन ता धिन धिन करके देखिए, धा तीन तीन ता धिन धिन धा तीन तीन ता धिन धिन धा। ठीक है सिंपल, बहुत ही आसान है, बस गाने को समझना है। रंजिश है सही दिल दुखाने पे ध्यान न दे, मेरे गाने पे आप लोग खुद गाने की कोशिश करें। जब तक आप गायकी को नहीं समझेंगे, तब तक बजाना भी टफ हो जाता है। आप खुद समझिए गायकी को, चाल क्या है, चलन क्या है, क्या इसके अंदर फीलिंग हम डाल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल बोल क्या होता है, धा तीन तीन ता धीन धीन, ये तो हम वही विलंबित दादरा ताल की बात। ठीक है, अब हम आ जाते हैं द्रुत में। तो द्रुत में क्या होता है, ये है। ठीक है, सिंपल बोल इसके भी हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल आराम से देखिए। सिंपल बता रहा हूं, देखिए धा टी टी, ये टी टी का जो साउंड है ये बहुत सॉफ्ट साउंड होगा, मेन होगा किनारे का साउंड। ठीक है, तो क्या ये धा टी टी ता टी टी, धा टी टी ता धी, धा टी टी ता धी टी, धा टी टी। ठीक है, धा टी टी ता टी, धा टी टी ता टी टी, धा टी टी ता धी टी, धा। देखिए इसको पूरा, धा टी टी ता धी टी, धा टी टी ता धी टी, कैसे धा टी टी ता धी टी, धा टी टी ता धी टी। ठीक है, अब इसको फास्ट करेंगे तो कैसा लगेगा, धा टी टी ता धी टी, 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 धी टी, धी टी, लास्ट वाला समझिए, धा टी टी ता धी टी, धा टी टी ता धी टी। मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि जो भी बताऊंगा सारी रिकॉर्डिंग्स की चीजें होंगी, जो हम ऑडियो कैसेट्स में रिकॉर्ड करने के लिए बजाते हैं, पांच पांच दस दस रिदमों को साथ मिलाकर एक साथ हम बजाते हैं, मैं वही चीज आपको बताता हूँ। तो ये दादरा ताल का टेक्निक सीख लीजिए, ये बहुत अच्छा टेक्निक है और ये आपको बहुत जगह काम आएगा। इसको और फास्ट करेंगे तो कैसा लगेगा, देखिए। ट
मैं सिर्फ सहारा ले रहा हूँ, साउंड नहीं आ रही है, सिर्फ सपोर्ट लेना है, ठीक है? मेन इसका साउंड रखना है। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि कई सारे इसके वैरायटीज हैं, कई सारे प्रकार हैं, बट अभी आपको ज्यादा वैरायटी के चक्कर में नहीं पड़ना है। सिर्फ दो मैंने बताया, एक विलंबित ताल के अभ्यास एंड ये द्रुत लय के अभ्यास। इसका अभ्यास कर लीजिए, दादा ताल का मेन मास्टर ये है। इसके बाद बहुत सारी वैरायटीज हैं जो मैं आपको दूसरे एपिसोड में बता दूंगा, लेकिन आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करें कि मैंने क्या बताया। धाते टे ता धे टे, धाते टे ता धे टे, इसका ध्यान रखिए। धाते टे ता धे टे, ठीक है? धे करेंगे और फास्ट करिए। मेरे ख्याल से आ रहा होगा समझ में, आया होगा समझ में। कीजिए अभ्यास, रियाज, अपना ध्यान रखें, आसपास अपने साफ सुथरा रखें, अपने घर में रहें, अभ्यास करें, रियाज करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर एक नया कोई एक्सरसाइज, नया अभ्यास लेकर आता हूं। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।